बिहार के समस्तीपुर में जन वितरण प्रणाली विक्रेता के द्वारा किए जा रहे मनमानी का शिकायत है प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से किए जाने पर आपूर्ति पदाधिकारी ने मीडिया से बदसुलूकी की है। दक्षिणी के डीलर निर्धन नाम से जब उपभोक्ता पॉस मशीन से निकाला हुआ अपना रसीद मांग किया तो नहीं दिया। वही गांवपुर पंचायत में कम वजन देने, निर्धारित मूल्य से अधिक पैसा लेने, पर्ची नहीं देने और डीलर के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से उपभोक्ता में रोष व्याप्त है। तो इन सब मामलों को गंभीरता से लेते हुए जब हमारे संवाददाता ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उमेश राय से फोन पर बात की तो पत्रकार को भी खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि मीडिया का काम ही है राजनीति करना। अगर मीडिया जनता की आवाज उठाता है तो ऐसे पदाधिकारी राजनीति का हवाला देकर जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। डीलर और पदाधिकारी के मिलीभगत से भ्रष्टाचार चरम पर है। तो अब मामला साफ है कि डीलर के मनमानी के पीछे ऐसे ही पदाधिकारियों का हाथ होता है। तो जरूरत है ऐसे पदाधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के जुर्म में सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। 24 किलो वजन कम रहता है। पैसा 80 पैसा ज्यादा लेता है। पैसा ज्यादा मतलब 65 रुपया के जगह पे 80 रुपया आपसे लिया जाता है। आप मना नहीं करते हैं? मना करते हैं, कहते हैं जो हम इतना लेवे करेंगे, अभी से नहीं लेते हैं, सारी दुनिया से लेते हैं। अच्छा, सारे दुनिया से लेते हैं, सारी दुनिया से लेते हैं। पर्ची मिलता है? जी ना। पर्ची नहीं मिलता है? क्या नाम हुआ आपका? शांति देव। घर? गाँव। डीलर का क्या नाम? पर बताए है पहले डीलर साहब दे रहे थे ना आप। हेलो, पैक्स से आप लेते पैक्स से? मतलब वजन भी कम रहता है, पैसा भी ज़्यादा लेता है और पर्ची नहीं देता है। मांगते हैं पर्ची? मांगते हैं हाँ। कहते हैं हम किसी को नहीं देते हैं, आपको कैसे देंगे? सबसे को इतना वजन कम होता है, जिनका मुँह से सुने थे सब कोटा कहे थे इतना वजन कम है, इतना वजन कम है। तो वजन कम रहे तहाँ बोले नहीं? बोले ये तो कहे थे जहाँ जाना है तहाँ जाए। अच्छा, इस ढंग से पेट भरेंगे उस ढंग से हम कमाएंगे, अपना पेट लो बचवे। क्या समस्या है आपको डीलर से? सर हम लोग को इतना ही है कि जो देख मान के चलिए हम लोग मजदूर आदमी ना, सर दो चार दिन अगर लेट हो जाता है तो डीलर बोलता है कि यहाँ किराना दुकान नहीं है, जब मर्जी तब आ जाए। और ऊपर से सर जो है ना ये अनाज जो हम लोग को मिल रहा है सर, 12 किलो गेहूं में 10 किलो पुरता है, 18 किलो चावल में 16 किलो पुरता है। सर हम लोग का यही समस्या है। आप पैसा भी सर ले रहे हैं ज़्यादा? पैसा ज़्यादा ले रहे हैं? ले रहे हैं जी। पैसा ज़्यादा ले रहे हैं तो मना नहीं करते कि आप ज़्यादा ले रहे हैं? हम लोग क्या बोलेंगे सर, बोलते हैं तो दबाड़ते हैं। डीलर साहब क्या कहते हैं? बोलता है कि यहाँ किराना दुकान नहीं है। अच्छा जी सर, वजन भी कम रहता है? वजन में कम है। पर्ची मिलता है? जी नहीं। पर्ची मांगते हैं क्या? पर्ची सर मांगते हैं, बोलता है कि किसी को दे दिया नहीं तो हम कैसे। क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा मनोज कुमार मल्लिक। मनोज कुमार मल्लिक, घर गापुर। अच्छा, डीलर नंबर 5 है। डीलर कौन? डीलर है सर रूपनारायण सिंह। रूपनारायण सिंह जी सर। मतलब वजन कम रहता है, वजन पैसा भी ज़्यादा लेता है और पर्ची भी नहीं देते? नहीं देते। और मांगने पर भी जो है नहीं देते, दबाते हैं, डांटते हैं। चाची राशन लेते हैं आप? हाँ लेते हैं। क्या आदमी का राशन लेते हैं आप? 6-7 आदमी को। 7 आदमी का लेते हैं? तो राशन जितना आपको मिलता है राशन का वजन ठीक रहता है? नहीं सर, 18 किलो मिलते हैं तो 16 किलो होता है। 18 किलो में 16 किलो? 16 किलो। और 12 किलो गेहूँ मिलता है तो 10 किलो होता है। अच्छा, 12 किलो मतलब गेहूँ में 10 किलो होता है, वजन कम रहता है। तो वजन कम रहता है तो डीलर को कहते नहीं है? कहते हैं सर, तो बोलता है कि किराना दुकान नहीं है, आपको बाबूजी का डर नहीं है, जहाँ हम बैठल रहेंगे उसको डर लेते हैं। पैसा ठीक लेता है? पैसा भी ज़्यादा लेता है? ज़्यादा पैसा लेता है। पैसा भी ज़्यादा लेता है? पर्ची देता है? नहीं देता। कौन डीलर है आपका? रूपन सिंह। रूपन सिंह पैसा ज़्यादा लेता है? पैसा ज़्यादा लेता है। राशन भी कम देते हैं? पर्ची भी नहीं देते? कुछ नहीं, पर्ची कुछ नहीं। मांगते हैं पर्ची? पर्ची मांगते सर नहीं देते हैं हम लोग। वो क्या कहते हैं? बोलता है कि यहाँ किराना की दुकान नहीं है। अच्छा सर, हम लोग 9 आदमी ना है, उतना ही मिलते हैं, वैसे ही मैं बैठ कर कम खा लेती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? उनका नाम है नारसी देवी। नारसी देवी, घर? गांवपुर। गांवपुर ब्रह्मदेव भैया?
आपके साथ क्या समस्या है? मेरे साथ राशन कार्ड से संबंधित राशन दुकान से समस्या है कि मैंने राशन लाने के लिए देगापुर पैक्स में गया, जोर से जिसके अध्यक्ष विद्यानंद सिंह है, और वह अपने आदमी को रखकर वहां पर वितरण करवाते हैं राशन। जब मैं मेरा नंबर आया राशन देने का, तो मैं देखा कि वह पॉस मशीन में जो पर्ची जो कटा उसके माध्यम से मैंने देखा कि 13 रुपये रेट के हिसाब से उसमें पर्ची कटा और मुझसे मांगा गया 16 रुपये के हिसाब से। फिर मैंने इसका विरोध किया तो कहा कि मैं यहाँ हम 16 रुपये के हिसाब से ही लेंगे, तुमको जो करना है करो, क्यों लीजिएगा? तो बोला गया कि हम लोगों को ऊपर से सबको एमओ को खासकर या ऊपर के जो अधिकारी हैं सारे अधिकारी को हमको पैसा देना पड़ता है, इसलिए इसको पैसा देने के लिए हम लोग इतना करते हैं, पैसा अगर नहीं देंगे तो हम लोगों को जो है सो डांटता है डबाड़ता है। इसका विरोध करने के बाद हमको कहा गया कि तुमको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, हमको इसे कोई मतलब नहीं है, हम अभी 16 रुपये के हिसाब से आप पैसा लेंगे। पैसा 16 रुपये ले रहा है? हाँ, पर यूनिट 16 रुपये ले रहा है। 13 रुपये की जगह पे 13 रुपये की जगह पे 16 रुपये पर यूनिट लिया जा रहा है। और राशन जो आप लेते हैं उसका वजन ठीक रहता है? राशन जो अभी लेते हैं वहाँ हम घर लाकर तौलते हैं तो उसका वजन बिल्कुल ठीक नहीं रहता, काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। वजन बिल्कुल कम रहता है। वजन के बारे में नहीं बताते कि आप वजन कम? हाँ, वजन के बारे में बताया है कि नहीं, मैं तो यहाँ सही तौलता हूँ, देख लो यहाँ पर मैं तो तौलता हूँ वो सही है, तुम्हारे यहाँ जाने के बाद मैं क्या करूँ, तुम क्या करते हो नहीं करते हो, इस तरह की भर्सन निकालते हैं मेरे साथ। आपको क्या लगता है वजन कम रहता है? हाँ, वजन तो कम रहता है, वहाँ पर उस मशीन में बांधा गया है, कम ही बांधा गया है, इसलिए कम मिलता है हम लोगों को। अच्छा, पर्ची नहीं देता? पर्ची नहीं दिया जाता, पर्ची अपने रख लेता है, हम लोग पर्ची रखेंगे, हम क्या करोगे तुम लोग, नहीं देंगे पर्ची। ये सब समस्या जो होता है तो आप शिकायत नहीं करते पदाधिकारी लोग? हाँ, पदाधिकारी लोगों को मैं पिछले महीने शिकायत किया था, जिसका जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर से मैं अपना एप्लीकेशन जो है सो तैयार कर लिया हूँ, और अब मैं अब की बार इस एप्लीकेशन तैयार करके मैं अधिकारी लोगों को देना चाहूँगा, देऊँगा। और उसके बाद इसमें क्या होता है कि लोग उसके द्वारा बोला जाता है कि अधिकारी लोग भी मैनेज कर लेते हैं, पैसा खाते हैं, सारे के सारे अधिकारी खासकर इसका जो एमओ है वो सब भ्रष्ट हैं, सब मान जाते हैं, अपने पैसे पर लेकर के खा के बैठ जाते हैं, और एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट कर बनता है उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, और अगर अब की बार ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, रोड पर उतरेंगे, अपने हक के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, इससे ज़्यादा होगा तो अनशन कर देंगे वहाँ पर बैठ के, लेकिन हम अपना हक लड़ेंगे, अपना हक के लिए लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं ऐसे। अच्छा, डीलर का व्यवहार कैसा रहता है? डीलर का व्यवहार भी अभद्र रहता है, दुर्व्यवहार की तरह बात करता है, सम्मानजनक बात ही नहीं करता है, जो लगता है कि उसके यहाँ सब रैयत बन के आया है, जिसको जैसे मन उस तरह का अपमान भरे शब्दों में लहजों में बोलता है, जो असहनीय है। अच्छा, आवेदन आप तैयार कर लिए हैं? आवेदन हम देखिए तैयार कर लिए हैं और फिर से हम देने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। घर गावपुर है, थाना उजियारपुर, जिला समस्तीपुर, वार्ड नंबर 5। अच्छा, डीलर का क्या नाम बताएं? डीलर का नाम पैक्स अध्यक्ष विद्यानंद सिंह। अच्छा, जो अपने आदमी को रखकर वहाँ बटवाते हैं, मतलब वजन कम रहता है, पैसा भी ज़्यादा लेते हैं, और पर्ची मांगने पर नहीं दिया जाता है, और ज़ोर जबरदस्ती की तरह से बात किया जाता है, धमकी भरी लफ्ज़ों में बात किया जाता है। क्या आपको समस्या क्या है? समस्या यही है जो डीलर के साथ जो राशन मिलता है उसमें राशन कम रहता है, 13 रुपये पसेरी के हिसाब से पर्ची कटता है, और 16 रुपया पसेरी के हिसाब से पैसा लिया जाता है। पर्ची मांगने पर पर्ची नहीं मिलता है, बोलता है पर्ची हम नहीं देंगे जी। वज़न ठीक रहता है? वज़न कम रहता है जी। तो वज़न कम रहता है तो बोलते नहीं? बोलते हैं, कहता है जो नहीं और डीलर कम देता है, हम भी कम देते हैं जो। पैसा ज़्यादा लेता है और दमनगिरी के साथ बात करता है जी। पैसा भी ज़्यादा लेता है जी? पैसा का विरोध नहीं करते कि आप ज़्यादा क्यों ले रहे हैं? विरोध करते हैं सर, इससे पहले हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन कोई आदमी क्या कहता है वो एप्लीकेशन दिया, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। और हम क्या आपसे कहें, एप्लीकेशन जो आप दिए हुए हैं जी, सब मिल करके दिए हुए जी, अच्छा उस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको लगता है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? वो सब मैनेज किए हुए है, प्रशासन प्रशासन सब उसके हाथ में है, बोलता है हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, जहाँ जाना है तहाँ जाओ जी।
मतलब ये कि वजन भी कम रहता है जी, पैसा भी ज़्यादा लेता है जी, और पर्ची भी नहीं देता जी, और मांगने पर डांटता भी है, डांटता भी जी। कौन है डीलर आपका? डीलर है विद्यानंद सिंह, पैक्स अध्यक्ष। पैक्स अध्यक्ष जी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हुआ भोला सिंह। घर? गाँवपुर। वार्ड नंबर? 6। प्रखंड? प्रखंड रुजालपुर। ठीक। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।